या पॉलिटिकल साइंस के सेकंड यूनिट के कॉन्सेप्ट्स में आज हम अपना अगला टॉपिक इक्वालिटी यानी कि समानता पर बात करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों की बात करी थी, उसके अर्थ नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ की बात करी थी। उसी टॉपिक से हम आगे बढ़ रहे हैं, समानता। समानता भी जैसे हमने स्वतंत्रता में नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ की बात करी, यहाँ पर भी देखें तो समानता के लिए अक्सर लोग सोचते हैं एक जैसा होना ही समानता है, समरूपता या एक रूपता होना ही समानता है। लेकिन उस तरह की समानता राजनीति विज्ञान में जब हम एक धारणा के रूप में इस कंसेप्ट की बात करते हैं तो ऐसी कोई समानता संभव ही नहीं है। हम अगर राजनीति विज्ञान में जिस समानता की बात कर रहे हैं उसकी बात करने से पहले हम असमानता को समझाना चाहेंगे। बच्चों, असमानता प्रकृति में पाई जाती है। दो तरह की असमानता है, एक है प्राकृतिक असमानता यानी कि जहां प्रकृति ने व्यक्ति व्यक्ति में अंतर किया है, वो उसकी भौतिक संरचना से भी हो सकता है, उसकी जो उसकी लोकेशन है प्रादेशिक, उसकी जो पृष्ठभूमि है उससे भी वो असमानता हो सकती है, रंग की हो सकती है, जो उसका रंग रूप है उसकी प्राकृतिक असमानता है। अगर हम इस असमानता को मिटाने की बात करेंगे तो ये संभव ही नहीं है। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो असमानता व्यक्ति में पाई जाती है वो हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन एक दूसरी असमानता है जो कि समाज द्वारा उत्पन्न की गई है, जो कि सामाजिक विषमताओं से उत्पन्न असमानता है। इस सामाजिक विषमता से उत्पन्न असमानता को मिटाना ही समानता है। तो उस रूप में अगर हम देखें तो समानता का मतलब क्या है कि समाज ने जो भी अपनी कुरीतियों के कारण व्यक्ति व्यक्ति में अंतर किया है उस अंतर को मिटाना ही समानता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को जीने का, अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर दिया जाना, और कैसा अवसर, समान रूप से सभी व्यक्तियों के पास ये अवसर प्रदान यदि होगा, हर व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, तो ऐसे इस परिस्थिति को हम समानता कह सकते हैं। तो अगर हम कहें अर्थ में जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की हम बात करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जो भी समानता व्यक्ति को प्राप्त है उनको मिटाया नहीं जा सकता। समरूपता या एक रूपता भी समानता नहीं है, बल्कि समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को विकास, व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त हों, वही सच्ची समानता है। बच्चों, जो विशेष हमारे विचारक हैं लास्की, उन्होंने समानता की परिभाषा उसके अर्थ को देते हुए उन्होंने कहा है, कुछ बातें उन्होंने कही हैं कि ये चीजें होने पर समानता हो सकती है। पहली चीज उन्होंने कहा, विशेष अधिकारों का अंत होना, यानी कि समानता में पहली चीज वो कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति में जो असमानता है, जो किसी कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, पहला पॉइंट वो कह रहा है ऐसे विशेष अधिकारों को अंत करना ही समानता को लाया जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, किसी रंग के कारण, लिंग के कारण या उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण व्यक्ति व्यक्ति को अंतर नहीं होना चाहिए, सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि समान अवसर के साथ साथ इतिहास में जो पैतृक या वंशानुगत कारणों से व्यक्तियों में जो अंतर किया जाता था, जो भेदभाव किया जाता था, उसको वो बिल्कुल अनुचित मानते हैं, और उनका कहना है कि ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण या उसकी वंश परंपरा के कारण या उसकी पैतृक समाज के कारण व्यक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां भी इस तरह का भेदभाव नहीं होगा वहां समानता लाई जा सकती है। और लास्ट उन्होंने कहा है कि सामाजिक और आर्थिक शोषण, यानी कि दो सबसे बड़े कारण जो व्यक्ति व्यक्ति में अंतर करते हैं, जो व्यक्ति को एक दूसरे से असमान बनाते हैं, वो है समाज द्वारा शोषण या फिर आर्थिक कारणों से व्यक्ति का जो शोषण होता है। तो लास्की के अनुसार जहां भी ये दोनों शोषण की व्यवस्था समाप्त होगी वहां समानता लाई जा सकती है। तो ये हो गया बच्चों हमारा लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, समानता का अर्थ। अब हम ले रहे हैं
समानता के विविध रूप या प्रकार। इसमें हम पहला ले रहे हैं नागरिक समानता, कि प्रत्येक देश के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये स्वतंत्रताएं सबको समान रूप से एक नागरिक होने के नाते उनको कुछ जो भी अधिकार दिए गए हैं और नागरिक उनका समान रूप से प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम नागरिक समानताएं कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी समानताएं आ जाती है, भारत की बात कहें तो भारत में कहीं भी भ्रमण करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, भाषण देना, सभा करना, कानून के समक्ष समानता है, कानून अंतर नहीं करता है, ये सारी नागरिक समानताएं हैं। दूसरा है राजनीतिक समानता। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था राजनीतिक स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, तो वोट डालना, चुनाव में खड़े होना, सरकारी पद को प्राप्त करना और सरकार की आलोचना करना, ये थी राजनीतिक स्वतंत्रताएं। लेकिन हम राजनीतिक समानताएं की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, जहां हर नागरिक को इन राजनीतिक स्वतंत्रताओं को उपयोग करने की समान अवसर प्राप्त हो। व्यक्ति व्यक्ति में एक नागरिक होने के नाते उसके राजनीतिक अधिकारों में कोई अंतर ना हो। भारत का नागरिक चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे उसकी कैसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि है, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, उसको वयस्क होने पर वोट डालने का अधिकार है, वो सरकारी पद को अगर उसके पास योग्यता है तो उसको प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन कुछ बंधन हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है कि ऐसी राजनीतिक स्वतंत्रताओं पे यदि थोड़ा बहुत भी प्रतिबंध है तो कुछ कारणों के कारण ये प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे उसमें कहा गया है पागल, दिवालियापन, यानी कि ऐसे कारण या आपराधिक उसको घोषित कर दिया जाए तो वो अपने इन राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो जहां भी राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के समान अवसर प्राप्त होंगे उसको हम राजनीतिक समानता कहते हैं। तीसरा है प्राकृतिक समानता। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कहा कि प्रकृति ने व्यक्ति को अलग अलग बनाया है और उस प्राकृतिक असमानता को नहीं मिटाया जा सकता। लेकिन फिर भी जब हम समानता के रूप में प्राकृतिक समानता की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रकृति ने नैतिक रूप से सभी व्यक्तियों को एक समान माना है, यानी कि व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के कारण ही जो भी आपको अधिकार प्राप्त हैं, व्यक्ति का गरिमा की बात करें, व्यक्ति के गौरव की बात करें, व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करें, तो ये कैसी चीजें हैं, ये नैतिक रूप से सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए, तो उस रूप में प्राकृतिक समानता। नेक्स्ट सामाजिक समानता, यानी कि समाज में जहां व्यक्ति व्यक्ति में रंग के कारण, लिंग के कारण, जाति के कारण, धर्म के कारण कोई भेदभाव ना हो वहां सामाजिक समानता होगी। नेक्स्ट आर्थिक समानता, जैसे हमने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता अलग है, लेकिन सब व्यक्तियों को जैसे हम कहते हैं बुनियादी उनकी जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है, तो इस रूप में सभी समान माने जाते हैं। सभी को अपने अपने योग्यता अनुसार जीविका उपार्जन के समान अवसर प्राप्त हों तो वहां आर्थिक समानता होगी। तो ये था बच्चों समानता के विविध रूप। थर्ड पार्ट पर हम ले रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता का क्या संबंध है। अक्सर ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता और समानता क्या ये एक दूसरे के विरोधी विचारधाराएं हैं या ये एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक दूसरे की पूरक विचारधाराएं। तो इसमें अगर हम देखें बच्चों, कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा कि दोनों बिल्कुल विरोधी विचारधारा है। उसमें एक लॉर्ड एक्टन का नाम आता है, लॉर्ड टॉकविले का नाम आता है, क्रोशे का आता है और मैकाइवर का आता है। इनका यह मानना था कि जहां स्वतंत्रता होगी वहां समानता नहीं हो सकती, क्योंकि जहां हर व्यक्ति अपने अपनी स्वतंत्रता की बात करेगा, स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा समानता को समाप्त करती, ये इन विचारकों का मत था। वहीं उन्होंने कहा जहां आप समानता की बात करोगे, आप सबको एक जैसा मानोगे, तो वहां किसी न किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। तो ये इनका विचार था, इस कारण ये कहते हैं दोनों एक दूसरे के विरोधी विचारधारा है। लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हम क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक है। जहां भी संतुलित मात्रा में समानता और स्वतंत्रता दोनों होगी वहां दोनों ही अपने अपने समाज को
या व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करेंगे। समानता भी होनी चाहिए, लेकिन समानता के साथ साथ संतुलित रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता भी अक्षुण्ण रहनी चाहिए, उसको वो भी सुरक्षित रहनी चाहिए। तो मोटे तौर पर देखें तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के पूरक हैं। फिर लास्ट पार्ट में हम ले रहे हैं बच्चों समानता के संरक्षण की आवश्यक शर्तें। जैसे हमने स्वतंत्रता में पढ़ा था, अब हम ये ले रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने से समानता सुरक्षित रहेगी। उसमें पहला क्या कह रहा है कि समानता और स्वतंत्रता दोनों ही संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, दोनों के बीच में संतुलन बनाए रहना चाहिए। व्यक्ति के निजी स्वतंत्रताओं उसके अधिकारों के साथ साथ मोटे तौर पे समाज में सामाजिक कल्याण में एक समानता भी होनी चाहिए। सामाजिक समानता के साथ साथ व्यक्ति के अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए, तो ये संतुलन होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस भी समाज में अगर विशेषाधिकार है किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण या उसकी भौतिक उसके जो संसाधन है उस कारण या उसके ऐतिहासिक वंश के कारण, यदि आपने किसी को विशेष अधिकार दे दिए तो समाज के बाकी लोगों में समानता नहीं रहेगी। तो सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि समानता में विशेष अधिकार बिल्कुल समाप्त हो जाने चाहिए। तीसरी चीज, व्यक्तित्व विकास के लिए उचित अवसर, हर व्यक्ति को उचित अवसर प्रदान होना चाहिए। भारत के केस में अगर हम देखें बच्चों आरक्षण की जो व्यवस्था है, तो हमने देखा है कि जाति के कारण हमारे यहाँ एक लंबे समय तक कुछ जातियों के साथ शोषण हुआ, उनके साथ उनको वो समान अवसर प्राप्त नहीं हुए। तो हमने ऐसी जो वर्ग थे जिनके साथ इस तरह का शोषण हो रहा है उनको विशेष सुविधाएं देते हुए आरक्षण की सुविधा दी गई, यानी कि उनको एक तरीके से अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं, कुछ ऐसी रियायतें देकर, ताकि वे भी दूसरे वर्ग के साथ आकर उनके समान आकर उनको उचित अवसर मिले। तो उस रूप में देखें तो समानता सबके लिए उचित अवसर की भी बात करता है। फिर न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए कि समाज में सच्ची समानता कब होगी, जब हर व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं हर व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए, तभी समानता हो सकती है, अन्यथा नहीं। और लास्ट कि पर्याप्त सीमा तक जाति और धर्म निरपेक्ष समाज जहां भी होगा वहां पर समानता होगी। पर्याप्त सीमा तक यानी कि जहां तक वो संभव हो सके, कि पूरी तरह से आप धर्म निरपेक्षता की बात करोगे तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म के लोगों को आप प्रभावित करोगे, लेकिन उनका ये कहना है कि मैक्सिमम के हिसाब से देखें, समूचे समाज के हिसाब से देखें, तो इस रूप में धर्म को लेकर या समाज में जो भी विभिन्न वर्ग हैं उनके या जातियां हैं उनके समान अधिकारों की जहां बात करेंगे और सामाजिक कल्याण की बात करेंगे वहां समानताएं लागू हो सकती है। आज के लिए इतना ही।